So welcome to the new restaurant. क्या नाम है सर? कान्हा जी. वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल. सो अभी हम लोग के कॉलेज में एक नया रेस्टोरेंट खुला था. हम लोगों ने प्लान किया आज जाके वहाँ पर कुछ खाने के लिए. हम लोगों ने डिनर तो नहीं किया. प्रतीक डिनर किया ना? नहीं नहीं, खा के फिर दोबारा खाने का जो मजा. तो ये है शिवशंकर, प्रतीक खाने का जो मजा है, और इधर विशाल, रमन. हम पांच जा रहे हैं डिनर करने. तो हम आ चुके हैं हॉस्टल के बाहर. अब डिसाइड करना है किधर से निकलना है. रेस्टोरेंट जाने का दो रास्ता है, एक शॉर्टकट एक लॉन्ग वे. इधर से चलेंगे, पीछे से किधर चलना है? चलो फिर इधर ही चलते हैं. हमारा शॉर्टकट जो कि साइकिलों के बीच से होके गुजरेगा. कुछ ज्यादा भयावह और खतरनाक है रास्ता ये. बिना लाइट के इधर से आना हानिकारक है, नुकसानदायक है. क्या दिखा? हैं? कौन था? हम लोग जंगल का रास्ता पार कर चुके हैं. अब आ गए सीसी रोड पे, जो कि हॉकी ग्राउंड और फुटबॉल ग्राउंड के बीच से गुजरता है. तो पीछे से रेस्टोरेंट कुछ ऐसा दिखता है. हम लोग अभी रेस्टोरेंट के पीछे हैं. भैया इधर से दो चाय. हेलो भैया. इधर से दो चाय भैया. गाली बस नहीं देना. यहाँ पर सबसे पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुला था, फिर उसके कुछ दिन बाद रेस्टोरेंट खुला. रेस्टोरेंट खुला दो दिन पहले. आज हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बताएंगे आपको इसका कैसा टेस्ट है, क्या क्या मिलता है, कितना फिजिबल है ये, यहाँ आना कितना सही है. विशाल ये हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स राधिका सुपर मार्केट, और ये खुला है नया रेस्टोरेंट. सो वेलकम टू द न्यू रेस्टोरेंट. क्या नाम है सर? कान्हा जी. घंटी बजा गुजरा. अब इसमें तो दिखेगा भी नहीं यार, निकल जाओ पीछे. आज क्या खाएंगे हम? देखो आपका पूरी सब्जी एक, चिकन फ्राइड राइस दो, वेज फ्राइड राइस दो, चिल्ली पनीर एक, रोटी चार, और फिश करी एक, और रोटी टू. पाँच रुपये खाना है इतना हो गया बस. अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं. इतना ज़्यादा बिल था कि अभी हम लोग का खाना ही नहीं बन पाया. अरे थम्सअप ला, थम्सअप थम्सअप. अभी तुम ले आओ ना, बिल्स के नाम पे फाड़ दो. तो पहला ऑर्डर आ चुका है मोटा का. सोच
अच्छा है पहले साथ ही तो फाइनली हमारा डिनर हो चुका है, हम अभी बाहर निकल के आए हैं। सो इट्स टाइम फॉर रिव्यू। तो सबसे पहले खाया था मोटा, तो शुरुआत इसी से होगी। मैंने फिश करी खाया था और रोटी खाया था। फिश करी काफ़ी अच्छा था, वेरी डिलीशियस था, और रोटी भी थोड़ा थोड़ा कच्चा था मगर बढ़िया था, ठीक था। एज यूजुअल रोटी हमेशा हर जगह खराब ही रहता है, मगर करी एकदम मस्त था, मसाला एकदम करी में मस्त था। ओवरऑल 5 में से 3.5 मेरा। इसके बाद खाए थे प्रतीक भैया, प्रतीक फ्राइड राइस खाया था, सिर्फ राइस आया। इसके बाद कौन खाया था? उसके बाद प्रतीक रमन। तो अपना रिव्यू दो, क्या खाया था पहले बताओ। तो मैं खाया भेज फ्राइड राइस, जो इतना अच्छा नहीं था, और वही 2.5 out of 5। क्या खाया था? मैंने खाया था पूरी और वो छोले खाया था, क्या बोलते हैं, हाँ पूरी और छोले खाया, सही था मेरे हिसाब से, सही था, अच्छा था टेस्ट। मैं खाया था चिली पनीर और रोटी, जो कि चिली पनीर बहुत ही टेस्टी था। आप भी आए, और ख़ास करके IIT वालों के लिए ही है। सो एक बार आओ यहाँ, खा के देखो, टेस्ट लो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।